हाँ तो फ्रेंड्स, आप ये जो बाइक देख रहे हैं ये टीवीएस विक्टर है, ये देख पाएंगे आप यहाँ पर अच्छी तरीके से। ये टीवीएस विक्टर है, इसका मैं ये जो है यहाँ पर ऐसे करके ये पल्ला लगा रहता है और इसको निकाल लिया है। यहाँ यहाँ पर एक बोल्ट लगा रहता है और एक बोल्ट यहाँ नीचे लगा रहता है। इन दोनों को खोलने के बाद मैंने निकाल लिया हुआ है इस पल्ले को। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एवरेज बढ़ाना आज हम लोग जानने वाले हैं कि एवरेज कैसे बढ़ाया जाए। तो मैंने एक वीडियो पहले से बना चुके हैं जो कि कार्बोरेटर की है। एक गोल्डन कलर का पेंच रहता है जिसको टाइट करने से, ढीला करने से एवरेज इम्प्रूवमेंट होता है। और आज हम लोग जानेंगे कि एक और भी तरीका है जो कि एवरेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी ये जो बाइक है ऑन पर लगी हुई है, ये देखिए ये ऑन पर लगी हुई है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑफ पर कर लेंगे। ऑफ पर करने के बाद क्या करना होगा, यहाँ से 20 से इस वायर जो इसमें से पाइप जा रही है इसको कट कर लेंगे बीच पर से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर करेंगे क्या कट करके, तो चलिए जान लेते हैं। तो हम लोग कट कर लेंगे तो यहाँ पर लगाने के लिए कुछ होना चाहिए, इस वजह से मैंने ये आपके लिए लेकर के आए हैं। पेट्रोल फिल्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पेट्रोल फिल्टर, जो कि मार्केट में आपको 50 से 60 रुपए के आसपास मिल जाएगा, या फिर आपकी मार्केट अगर होलसेल मार्केट है तो वहाँ से 10 या 20 रुपए में आप परचेज़ कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें आपको क्या होता है कि यहाँ से जितनी भी पेट्रोल होता है वो फिल्टर होकर के आपके यहाँ से आपकी जो टंकी रहती है टंकी से फिल्टर होकर के इसमें फ़िल्टर हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद कार्बोरेटर में जाएगा। तो जितना ही अच्छा आपके में पेट्रोल जाएगा उतना ही आपका एवरेज इम्प्रूवमेंट होगा। और ये आप यकीन मान के चलिए कि आपको 10% इससे फ़ायदा ही होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपका एवरेज कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो हम इसको लगाने के बाद भी एक बार एवरेज टेस्ट ज़रूर करेंगे। अगर मेरी एवरेज टेस्ट वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहाँ से जा करके आप देख पाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं। तो चलिए कट कर लेते हैं इसको। तो इसमें से अभी थोड़ा तेल निकलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको अच्छी तरीके से कट कर लिया, इसमें से थोड़ा तेल वेल भी गिरा, ये देखिए पूरा थोड़ा सा गिरेगा, ज़्यादा आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसको सेट कैसे करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको सेट कैसे करते हैं। तो सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं आपको एक दूसरी जो मेरी बाइक है उसमें से मैं दिखाना चाहूँगा उसको कैसे सेट करते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे ये रेनीगेट कमांडो है जो कि एवेंजर 220 को बदला गया है। इसकी अगर आपको वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहाँ से जा करके आप देख पाएंगे। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें भी मैंने वही फ़िल्टर लगा रखा है जो कि मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, और ये इसमें बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, इसी वजह से मैं टीवीएस विक्टर में भी लगाने वाला हूँ। इसमें 10 से 15% की एवरेज की। तो अभी हम टीवीएस विक्टर के एवरेज में इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ से पाइप को बीच पर से कट कर लिया हुआ है जिसमें से पेट्रोल जाता है, और अभी हम लोग ये फ़िल्टर यहाँ पर बैठाने वाले हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये जो कार्बोरेटर का जो पाइप है उसको मैंने कट कर लिया अच्छी तरीके से। ये आपको फ़िल्टर दिखाई पड़ रहा है जो कि आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। और इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें एक देखना पड़ेगा, एक एरो दिखाई पड़ता है, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ उसको। जो एरो है वो नीचे की तरफ रहता है, आपको दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख पा रहे होंगे आप एरो, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा उंगली के पास मेरे, जो छोटा सा एरो है वो नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहा है। और ये जो जो ऊपर का पोर्शन है वो जो टंकी से पाइप आ रही है उसमें लगेगा। जो अभी हम लोग एरो के हिसाब से इसको फिट कर लेते हैं, चलिए फिट कर लेते हैं। तो ये वाला जो है ये जो ऊपर की वो लगेगी तो इसको लगा लेते हैं, ये आसानी से लग जाएगा। और ये वाला नीचे की ओर रहेगा, आपको यहाँ लोगो दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए रुक जाइए मैं आपको दिखाने, ये देखिए ये लोगो के हिसाब से आपको लगाना होगा। और ये चीज़ वाइट कलर का जो रहेगा ये नीचे की ओर रहेगा। और जो अभी इसमें क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ से जो कि ऑन में था तो ऑन में इसको कर देते हैं। अभी देखिएगा इसमें तेल जाएगा धीरे धीरे,
टेंट क्लीन रहेगा तो आपका एवरेज सबसे ज़्यादा रहेगा, आपको 10 या 15% का एवरेज में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप क्या बोलते हैं, इसका प्रयोग ज़रूर करें और कभी कदार हो सके तो आप इसको माइलेज टेस्ट भी कर लें हफ्ते में या महीने में एक दो बार, ऐसा कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ और जो बेल आइकन है उसको भी